एक्सिस बीसी पोर्टल में लॉगिन होने के बाद मेनू बार में कस्टमर ट्रांजैक्शन सर्विस में एईपीएस पे क्लिक करें। अब हमारे पास कौन सा फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो सिलेक्ट करें और चेक डिवाइस पर क्लिक करें। डिवाइस सक्सेसफुल कनेक्ट होने का मैसेज आएगा, फिर प्रोसेस पर क्लिक करें। एजेंट आधार में बीसी अपना आधार कार्ड नंबर दाखिल करें और अपनी फिंगर कैप्चर करें। सबमिट पर क्लिक करें। फिंगर कैप्चर के बाद सबमिट पर क्लिक करें। एक्सिस एईपीएस सर्विस में हम बैलेंस इंक्वायरी, कैश विदड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। हम कैश विदड्रॉ का एग्जाम्पल देखते हैं। कैश विदड्रॉ पर क्लिक करें। बीसी अपना आधार कार्ड नंबर दाखिल करें और अपनी फिंगर कैप्चर करें। सबमिट पर क्लिक करें। ग्राहक का मोबाइल नंबर दाखिल करें। ग्राहक का आधार कार्ड नंबर दाखिल करें। ग्राहक का आधार कार्ड जिस बैंक से लिंक है वो बैंक सिलेक्ट करें। जितने पैसे विदड्रॉ करने हैं वो अमाउंट सिलेक्ट करें या मैन्युअली रकम टाइप करें। कंसेंट बॉक्स में क्लिक करें और ग्राहक की फिंगर कैप्चर करें। फिंगर सक्सेसफुल कैप्चर होने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करें। आप देख सकते हो ग्राहक का सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया है। रिसिप्ट डाउनलोड करके ग्राहक को प्रिंट दे सकते हैं। ऊपर स्टेट्स बार में रिफ्रेश के सिंबल पे क्लिक करके एक्सिस पोर्टल में करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।